लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन और पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन ने शादी हॉल फौरी खोलने का मुतालबा करते हुए पंजाब असेंबली के घेराव का ऐलान कर दिया है। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे करने के बाद हुक्मरान ठंडे कमरों में इजलास पर इजलास कर रहे हैं। हम 18 माह से प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पर टैक्स, फूड अथॉरिटी के टैक्स दे रहे हैं और बदले में हमको मुसलसल बंद रखा जा रहा है। सरपरस्ते आला मियां अलियास, सदर खालिद अदरीस भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राव तारिक इस्लाम, चेयरमैन कमर जवेद बाउ, सीनियर नायब सदर मलक अकील, नायब सदर मलक जहांगीर, चेयरमैन कैटर्स शाहिद इस्माइल, सदर कैटर्स मलक इशफाक और दीगर ओहदेदारों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि शादी हाल के कारोबार जिससे 40 से ज्यादा कारोबार वाबस्ता है 15 माह से बंद है। अगर इसको 30 जून तक ना खोला गया तो अपर माल रोड पर पंजाब भर से शादी हाल मालकान और इनके हजारों मुलाजमीन एहतजाज के लिए माल रोड पर पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कुछ कहना इस तरह से था, ये राइट नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए रिश्ते हलाल कमा सके। क्या वजह है बार 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 एक ही पैसे इकट्ठे करता है अपनी और अपने अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए 3 या 4 साल में पैसे इकट्ठे करता है और उसका भरण रखना अपनी बेटी को रुखसत करता है। अब कोविड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि कोविड अब कंट्रोल में है, बल्कि बहुत अच्छी बिजनेस जिसके हलाल कमाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। लोग आ जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, काम कारोबार चल रहा है, मार्केटें हर चीज खुली है। सिर्फ एक हाल इस वक्त ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बंद है। और क्या कोविड सिर्फ हालों में ही है और कहीं नहीं है? फिर होता है, एक वक्त होता है, आपने हमें कहा कि जनाब कोविड की रेशो बहुत ज्यादा है। अमेरिका बंद थे, पहली वेव आई और मैरिजन बंद ही थे और वेव गुजर गई। दूसरी वेव आई, उस वक्त भी मैरिजन बंद थे। तीसरी वेव स्टार्ट नहीं हुई और हमें नोटिफिकेशन के लिए बंद कर दिया गया। मैं कोविड से पूछना चाहता हूँ, हमारे किस मैरिज हॉल की वजह से भाई कोरोना फैला है या फैलने का अंदेशा है कि आप हमारे साथ बैठ का मुजाकरा करें? हमारे पास पूरा डाटा मौजूद है कि हम 100% बंद थे और हम हमारी वजह से कोरोना नहीं फैला। तो थोड़े दिनों के लिए परसों का आगे इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है अनाउंसमेंट जरूर कर देंगे। तो लिहाजा हम उनकी यकीन दहानी के मद्देनजर रखते हुए इस जो जून की हमारी कॉल थी उसको वापस लेते हैं और अगर हमारे मुतालबत ना माने गए यानी कि हमारे हॉल मार्किट को ना काम करने की इजाज़त दी गई तो इंशाल्लाह ताला फिर वही तारीख दोहराई जाएगी जो एक साल पहले दोहराई गई थी, 13 जुलाई रोज बुधवार हमारा लाहौर के अंदर भरपूर इंतजार होगा। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑल टीवी।